तो स्वागत है दोस्तों आप लोग का, जहाँ पे हम लोग अपना क्लास जो इंग्लिश का हम लोग क्लास है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग का पर्पस आप लोग जानते हैं कि हमारा क्लास का उद्देश्य है आपको क्या करना, जीरो से हीरो लेवल तक पहुँचाना। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस है हम लोग उस पर्पस के अकॉर्डिंग हम लोग उस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बेसिक में बहुत सारे इंग्लिश के चीज़ें सीखी। ठीक है, इंग्लिश के इंपॉर्टेंस जाना और बाकी सब चीज़ सीखी, और हम लोग उसी इंग्लिश के क्लास को हम लोग फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और सेंटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा हमने पर्सन के बारे में जाना कि पर्सन होता क्या है। ठीक है, पर्सन किसको बोलते हैं। ठीक है, पर्सन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, और पर्सन को कैसे कैटेगराइज किया गया है संख्या के आधार पर। ठीक है, जिसमें हमने जाना था कि पर्सन हमारा तीन टाइप्स के थे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड बातें थी हम लोगों ने उस पिछले वीडियो में जाना था। ठीक है, अब उसी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है नंबर। क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर के बेसिस पर पर्सन को बात तो गया है, लेकिन नंबर आखिर होता क्या है, तो उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो हमारा टॉपिक है क्या, नंबर, जिसको हम लोग कॉमनली हिंदी में तो संख्या बोलते हैं, और यदि हम लोग हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग चलें या संस्कृत ग्रामर के अकॉर्डिंग चलें तो नंबर को हम लोग वचन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वचन। ठीक है, वचन का मतलब ही आपका संख्या ही है। ठीक है, नंबर का मतलब ही आपको समझना है, संख्या से रिलेटेड है। ठीक है, तो नंबर कहते किसको हैं। ठीक है, तो नंबर मतलब मान लीजिए आप लोग भी जानते हैं संख्या। संख्या क्या है, मतलब काउंटिंग करने का काम, गिनने का काम। ठीक है, तो नंबर का सीधा से आधा रिलेशन आपको नाउन से देखने को मिलेगा। किसे देखने को मिलेगा, नाउन से देखने को मिलेगा। नाउन मतलब हो क्या, तो संज्ञा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाउन है क्या, तो नेमिंग वर्ड है। अब नाउन में बहुत सारा चीज़ हो सकता है, क्योंकि नाउन का भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो नाउन में बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो नाउन का मतलब क्या, संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या, तो कोई भी नाम या कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, तो उसी को हम लोग संज्ञा बोलते हैं ना। ठीक है, तो नंबर का मतलब क्या है कि नंबर वैसा चीज़ है जो क्या करें, कोई भी नाउन की संख्या का बोध कराए। क्या बोध कराए, कोई भी नाउन की संख्या क्या बोध कराए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं। यदि हम लोग हिंदी ग्रामर या संस्कृत ग्रामर के की बात की जाए, तो वहाँ पे इस संख्या या इस वचन को तीन भागों में बांटा गया। वैसा वचन जो एक व्यक्ति का बोध कराए उसको एक वचन बोला गया है, वैसा संख्या जो दो व्यक्तियों का बोध कराए उसको द्विवचन बोला गया है, और दो से ज़्यादा बोध कराने वालों को बहुवचन बोला जाता है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश ग्रामर पे आते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में नंबर को हम लोग दो ही पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, वैसा पार्ट, ठीक है, प्रकार नंबर का वैसा पार्ट या नंबर का वैसा पैटर्न जिसमें नंबर केवल एक व्यक्ति के बारे में बताए, तो उसको हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक वचन बोलते हैं। और यदि वैसा नंबर का पार्ट जो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बताए, ठीक है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उन सब को जो एक से ज़्यादा संख्या के बारे में बताएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लूरल नंबर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या जाना है कि नंबर जो है वो है क्या, तो नंबर एक संख्या है। नंबर का डायरेक्ट रिलेशन संख्या से है। अब संख्या तो कुछ चीज़ भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर हम लोग, चूँकि हम लोग जिसको गिन सकते हैं उसी को हम लोग संख्या बोलेंगे। तो नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है, यानी कि नाम की संज्ञा, यानी कि नाउन का मतलब संज्ञा है, और संज्ञा को तो हम लोग जानते हैं कि गिन भी सकते हैं। तो इस कारण से हमेशा ये जो नंबर है अधिकतर किसका बोध कराता है, तो नाउन की संख्या का बोध कराता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके टाइप्स कितना है, तो दो टाइप्स है, सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर। सिंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर जो केवल एक, यानी कि सिंगल, वन लिखिए, सिंगल लिखिए, या जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो वैसा नंबर जो केवल एक व्यक्ति, एक वस्तु, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ एक होना चाहिए, सिंगल, तब उसका बोध कराएगा, तब उसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर नंबर। ठीक है, और वैसी संख्या, ठीक है, जो दो या दो से अधिक संज्ञा का बोध कराए, कहिए या आप कहिए व्यक्तियों का बोध कराए, वस्तुओं का बोध कराए, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए, दो गो रहे चाहे दो गो से अधिक रहे। ठीक है,
तो उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में हम लोग कॉमन रूप में प्लूरल नंबर ही बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन। इसको मतलब क्या होता है कि जो बोध कराए दो या मोर देन टू, मोर देन टू। यहाँ पे कितना बोध कराता है, केवल एक। सिंगुलर नंबर हमारा बोध कराता है केवल एक, जबकि प्लूरल नंबर हमारा बोध कराता है या तो दो या दो से अधिक। ठीक है, जैसा कि हमने पर्सन का भी क्लासिफाई किया था। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के यदि सिंगुलर नंबर की बात की जाए तो आई बोलते हैं, यदि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर की बात की जाए तो आई का वी बन जाता है। ठीक है, उसी तरह सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर की बात की जाए तो यू ही रहता है, और सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर की बात की जाए तो यू ही रहता है, लेकिन पैटर्न अलग होता है। जब हम लोग यू लिखते हैं तो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर नंबर में तुम बोलते हैं या आप बोलते हैं, लेकिन जब उसी का जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं और उस सेंस में यदि हमको यू बोलना हो तो वहाँ पे तुम लोग, तुम दोनों, आप लोग, आप दोनों, ठीक है, इस तरह का बोध होता है। ठीक है, और जहाँ पे हम लोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर की बात की जाए तो वहाँ पे बहुत सारे आते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग ही लगाते हैं, उसी तरह सी लगाते हैं, छोटे छोटे जीवों या यथी के लिए, छोटे छोटे जीवों, कीड़े मकोड़ों, इसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि कोई नाम है या कोई वैसा नाउन जो सिंगुलर हो तब उसके लिए हम लोग थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा व्यक्तियों का बोध है तो वहाँ पर हम लोग प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन या दे का प्रयोग हम लोग करते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे रूल है बनाने के, जैसे हम कुछ एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने बोला कि बॉय, ये आपका सिंगुलर नंबर है, इसका यदि बनाना होगा प्लूरल तो बॉयज लिखते हैं। इसका रूल क्या कहता है कि यदि आपका क्या रहे, शब्द रहे, शब्द के लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट रहे और उसके पहले जस्ट आपका वोवेल आ जाए तब उसके लास्ट में हम लोग केवल एस लगाते हैं। ठीक है, ये सब आपके बेसिक रूल हैं, ऐसा रूल आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। हम बस कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मैंने ट्री बोला तो इसके लिए हम लोग प्लूरल नंबर में ट्रीज लिखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ आपके स्पेसिफिक भी होते हैं, जहाँ पे ये कॉन्सोनेंट उससे पहले यदि ए जाए तो इसको, ये दोनों आपका लोप होके आपका बन जाता है लिप्स में। ठीक है, लेकिन वही आप यदि रूफ लिखते हैं तो इसके लिए हम लोग रूफ लिखते हैं, रूफ्स लिखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ अलग अलग रूल हैं। ठीक है, इस पे भी हम लोग डिटेल में जाएंगे, बट अभी हम लोग केवल नंबर के बारे में पढ़े कि नंबर होता क्या है, नंबर बोलते हैं किसको, है कौन सिंगुलर है, कौन से प्लूरल पहचानेंगे, ये अभी हम लोग सीखें। ठीक है, वैसे तो नंबर सिंगुलर से प्लूरल बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा रूल आप लोग भी शायद बचपन में पढ़े हुए हों। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, वो भी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग उतना नहीं लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे बॉय का बनाना होगा तो बॉयज बोलते हैं, ये ट्री है तो ट्री मतलब पेड़, एक पेड़, बहुत सारा पेड़ बोलना होगा तो ट्रीज बोलेंगे, लीफ है तो इसको लीफ्स बोलेंगे, रूफ है तो इसको रूफ्स बोलेंगे। ये आपका सब प्लूरल डिनोट कर रहा और ये आपका सिंगुलर डिनोट कर रहा। ठीक है, तो ये आपका हो गया नंबर। अब इस नंबर के आगे हम लोग एक और चीज़ जानते हैं, वो है क्या, तो जैसे मान लीजिए कोई भी आपका सेंटेंस है तो सेंटेंस पहले जब हम लोग इस सेंटेंस को बांटते हैं तो उस सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट्स में बांट के चलते हैं कॉमन वे में। कौन कौन, एक को बोलते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट का हिंदी हम लोग करता या कहीं कहीं पे इसको उद्देश्य भी बोला जाता है या उधेय भी बोला जाता है, इस टाइप में उधेय या उद्देश्य लिखा हुआ होता है। और प्रेडिकेट को हम लोग विधेय बोलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, अभी हम पता करवा देते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है तो वैसे तो आप लोग भी जानते हो कि सेंटेंस जो है लिखा जाता है सब्जेक्ट से होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो बात ये बिल्कुल सही है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इस तरह में होता है, लेकिन उससे भी पहले बात की जाए सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए, तो सेंटेंस की बात की जाए तो सेंटेंस को हम लोग उससे भी पहले एक क्लासिफिकेशन में बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन क्या है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों से होता है। अब बता दीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसको कहते हैं,
तो सब्जेक्ट तो आप लोग जानते हैं कर्ता। कर्ता का मतलब क्या है कि यदि कोई काम हो रहा है या यदि कुछ भी हो रहा है तो उसका असर जिस व्यक्ति पे पड़ता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है। अब यहाँ पे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, दौड़ने का। अब हम पूछे कि दौड़, ये जो दौड़ रहा है तो कोई ना तो कोई तो दौड़ ही रहा होगा, या कौन दौड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हमको मालूम चला कि कौन दौड़ रहा है, तो वह दौड़ रहा है। तो ये जो वह है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी कि उदेह कहलाएगा या उद्देश्य कहलाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वाक्य का वह पोर्शन है जिससे हमको मालूम चल रहा है कि यदि कोई काम हो रहा है या यदि कोई भी वाक्य में कोई भी चीज़ हो रहा है तो उस चीज़ के होने का असर जिस व्यक्ति पे पड़ेगा या जिस शब्द पे पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वह दौड़ रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है क्या, दौड़ने का। अब दौड़ रहा है तो कोई ना तो कोई तो दौड़ रहे रहा होगा, ठीक है, कोई ऐसा भूत प्रेत तो है नहीं, तो कुछ न कोई ना कोई व्यक्ति या कुछ न कुछ दौड़ ही रहा है। तो उस कंडीशन में को मालूम चले कि कौन दौड़ रहा है, तो वह दौड़ रहा है। तो ये जो वह है वो क्या कहलाएगा, तो वह कहलाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और सब्जेक्ट को छोड़कर, वैसे तो सब्जेक्ट में ये क्या है, वर्ब है, उसके बाद अदर सब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो कुछ भी आएंगे फर्दर, लेकिन अभी क्या याद रखना, जब हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ें तो सब्जेक्ट ये हमारा है, इसे सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ बच जाएगा वही सब हमारा प्रेडिकेट बताएगा। मतलब कर्ता का उद्देश्य बता रहा है कि कर्ता जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, इसके बारे में जो जो चीज़ बताए उसी को हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, या उसी को हम लोग हिंदी में विधेय बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम और एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। जैसे मैंने बोला कि आई एम ए फार्मर, हिंदी में बोले तो मैं एक किसान हूँ, ये इसका हिंदी होगा। अब इस कंडीशन में क्या बोला है कि मैं एक किसान हूँ, अब यहाँ पे बात है किसान की, तो पूछा जाए कि किसान है, किसान हम लोग जानते हैं कि किसान है, होता है कि अभी भी हम लोग जानते हैं, पूछा जाए कि किसान है वो कौन बोल रहा है कि किसान वो है, वो व्यक्ति कौन है या किसान कौन है, तो किसान के बारे में मालूम चले कि मैं एक किसान हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बोला था कि मैं एक किसान हूँ। ठीक है, तो इसमें पता चला कि ये जो भी चीज़ बात कहा जा रहा है वो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो मेरे बारे में कहा जा रहा है। तो इस कारण से ये चीज़ जो कहलाएगा, ये जो शब्द कहलाएगा, ये कहलाएगा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता कहलाएगा। और याद रखिएगा, इस कर्ता को छोड़कर यदि उस वाक्य में बाकी जो भी चीज़ आ जाए, टोटल कुछ भी चीज़ आ जाए, ठीक है, उस सब को हम लोग प्रेडिकेट मान के चलते हैं या प्रेडिकेट कहते हैं, जिसको हिंदी में विधेय बोला जाता है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे मैंने बोला आई प्लेज फुटबॉल, इसका हिंदी हो जाएगा मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे, आया काम है खेलने का काम, ठीक है, अब खेल रहा है तो क्या खेल रहा है भाई, तो फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन कौन खेल रहा है, ठीक है, यानी कि जो काम हो रहा है वो कोई ना कोई कर रहा होगा, तो कौन कर रहा है उस काम को, तो मालूम चला कि फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल किसके द्वारा खेला जा रहा है, तो मैं, यानी कि मैं खेल रहा हूँ। तो इस कंडीशन में इस काम का असर पड़ा किस पे, इस शब्द पे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा कर्ता। और इस कर्ता को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ बच गया, सेंटेंस कितने प्रकार है, यदि आपका सब्जेक्ट मालूम चल गया और सब्जेक्ट जब मालूम चला गया तो उसको छोड़कर बाकी जो चीज़ बचा सब को हम लोग विधेय बोलते हैं, और इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। अब इस प्रेडिकेट को हम लोग आगे भागों में बांट सकते हैं, इस प्रेडिकेट को हम लोग वर्ब में बांट सकते हैं, ऑब्जेक्ट में बांट सकते हैं, अदर वर्ड्स में बांट सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका सेंटेंस का सबसे पहले बेसिक हुआ कि हम लोग कोई भी सेंटेंस के
प्रकार में या सेंटेंस को हम लोग कैसे उसको हम लोग वर्गीकृत करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, कैसे पहचानेंगे। सिंपल ये भी याद रखिएगा, तो मैंने बताया कि कर्ता की पहचान कैसे होगी, तो क्रिया देखेंगे या जो जो भी अदर वर्ड है उनको देखेंगे और उनका असर जिस शब्द पे पड़ेगा वो आपका कर्ता कहलाएगा। यदि वैसे नहीं मालूम हो या आपके पास कोई भी सेंटेंस हो, तो हम लोग उस पहचान के लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आपको हिंदी में यदि कौन का यूज करें या हूँ, ठीक है, इन सब क्वेश्चन वर्ड का यूज करके यदि उस सेंटेंस का हमको आंसर मालूम चलता है तो वो आपका कहलाएगा सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला आई प्लेज फुटबॉल, मतलब मैं खेले आप खेलते, तो इस आई को हटा दिया जाए और यहाँ पे यदि हम लोग लगा दें हु प्लेज फुटबॉल, तो मालूम चल रहा है कि पूछ रहा है कि कौन फुटबॉल खेलता है, तो उनको मालूम चला कि कौन खेल रहा था। तो मैंने सेंटेंस लिखा था आई प्ले फुटबॉल, तो कौन के जगह क्या मालूम चला कि आई, तो इस कंडीशन में ये जो आई है वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, मैंने बोला कि यू आर ए बॉय, यू आर ए बॉय, ठीक है, मतलब तुम एक लड़के को पता करना होगा कि अब इसको सवाल पूछना होगा तो क्या बोलेंगे, हु आर यू, सॉरी यहाँ पे यदि बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे अरे यार इरेजर कहाँ है, यहाँ पे बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि हु इज अ बॉय, मतलब कौन एक लड़का है, तो मालूम चलेगा कौन लड़का है, तो मैंने बोला था कि यू आर अ बॉय, तो इसका मालूम चला आंसर कौन, यू, तो यहाँ पे यू क्या है, तो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यदि कहीं पर अभी किसी भी सेंटेंस से आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो हम लोग सेंटेंस को हम लोग क्वेश्चन रूप में हु और हुम का यूज करके पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा शब्द आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यदि उस सेंटेंस से हम लोग क्वेश्चन बनाए और यदि क्वेश्चन बनाने पे हमको जो शब्द का आंसर मिल जाएगा वही शब्द आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट की पहचान के लिए दो चीज़ हैं। पहला चीज़, यदि किसी वाक्य में कोई भी काम करने का असर या कोई भी अदर शब्दों का असर जिस शब्द पर पड़ेगा वो आपका कहलाएगा कर्ता। दूसरा पहचान कि हम लोग उस सेंटेंस में हु हुम इन सब क्वेश्चन वर्ड का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है कौन। ठीक है, और प्रेडिकेट किसको बोलेंगे, तो उस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी अदर वर्ड या जो भी शब्द बचे जाए वो सब आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, और उस प्रेडिकेट को हम लोग फिर अदर फॉर्म में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग का क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने क्या जाना, तो दो चीज़ जाना नंबर के बारे में, दूसरा जानना हम लोग सेंटेंस कि सेंटेंस को हम लोग फिर वो तो सेंटेंस का आपका अलग टाइप था, लेकिन सेंटेंस जब फॉर्म होता है तो उस फॉर्मेशन के टाइप को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, सब्जेक्ट के रूप में, प्रेडिकेट के रूप में। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं और प्रेडिकेट को उसे बोलते हैं, ये हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम लोग प्रेडिकेट के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, वर्ब हैं, ऑब्जेक्ट हैं, ये जो भी अदर वर्ड्स आते हैं उनके बारे में हम लोग इसके बाद वाले वीडियो यानी कि इसके आगे वाली कक्षाओं में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहता है। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, और कोई भी चीज़ यदि आपको डाउट होता है या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता, तो आप ज़रूर अपने कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं वो क्लास कैसा लगा। ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों पर भी पहुंच सके। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपको अच्छा लगता है, ताकि हमारी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, जिससे आपके मालूम चलो कि आपकी क्लास टाइमिंग या क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है या जो भी नए वीडियो जाएंगे तो आपको उससे मालूम चले। ठीक है, धन्यवाद।